रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और शुक्र के साथ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी आज हम बनाएंगे बनाना चिप्स, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए देखते हैं बनाना चिप्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। और बनाना जो है वो कच्चे चाहिए हमें, और वो तोड़ने के लिए हम खेतों के अंदर आए हैं। तो यहाँ से फ्रेश ताज़ा कच्चे बनाना तोड़ के ले जाएँगे। ये तो दांतरी के साथ इसे काट लेंगे। तो हमारे गाँव में यही है एक पौधा केलों का, तो इस पर जो लगे हुए हैं कच्चे केले वो सिर्फ इतने ही हैं। तो तकरीबन 12-13 केले हैं, तो इनसे गुजारा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पर बनाएंगे देसी बंडे, देसी चूल्हा। हर तरफ हरियाली है और बीच में कुकिंग की जाएगी आज। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह से चूल्हा हमारा जो है बड़ा ही ज़बरदस्त बन गया। तो अभी केलों की कटिंग करेंगे। और जी मेरे साथ हैं अली रज़ा भाई और साथ हैं तजीब भाई, और केलों को अच्छी तरह धो लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और इस तरह से चाकू के साथ इसके छिलके जो हैं ये उतार लेंगे। चाकू के साथ बड़े ही बेहतरीन जो है छिलके उतर रहे हैं, ये चेक करें माशाल्लाह। तो इसी तरह सारे छिलके जो हैं उतार लेंगे। और ये ताज़ा फ्रेश केले हैं, तो इनका पानी जो है वो निकल रहा है। तो पानी से परहेज़ करना है, कपड़ों पहनना पड़े, क्योंकि इनके इसके दाग जो होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से नहीं उतरते हैं, वरना तो उतरते नहीं हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो बनाना हमने मुकम्मल जो है छील ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, नमक, और नमक और हल्दी को पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक और हल्दी पानी में अच्छी तरह हल हो गई है। तो जी अभी केले काट के पानी में डाल दिए जाएँ, क्योंकि केलों का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हल्दी और नमक वाले पानी में डालेंगे, साथ ही डाल दिए जाएँगे काट कर। तो इस तरह से तो जी इसी साइज़ के बारीक बारीक काट लेंगे। तो आपने भी इसी तरह बारीक बारीक काट लेने हैं केले। तो जी अभी नमक और हल्दी वाले पानी में डालेंगे। क्योंकि फ्राई करते वक्त हल्दी का कलर जो है माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो जी आग जल गई है चूल्हे में, तो अभी चढ़ाते हैं कढ़ाई। और सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में आग के आगे बैठने का भी अपनी ही मज़ा। तो कढ़ाई चढ़ाते हैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो जी अभी घी डालेंगे कढ़ाई में, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घी को अच्छी तरह गर्म कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह घी जो अच्छी तरह गर्म हो गया। बिस्मिल्लाह। और उम्मीद है कि बनाना चिप्स जो है बड़ी ही मज़ेदार बनेगी। माशाल्लाह से कलर जो है चिप्स का चेंज होना शुरू हो गया। और माशाल्लाह से जो लोकेशन है वो चेक करें, कमाल ही है। और इधर बीच में बनाना चिप्स तैयार हो रही है। आनी स्वागत भाई, रोटी खाए हैं? रोटी लबनी ही भरा घर गया ते कहंदे वाडी मोगी दी है। वाडी मोगी दे ते रोटी नहीं पकाई? रोटी कहंदे दो टाइम बस पकनी है, तीजे टाइम नहीं पकनी। हां चल कोई नहीं, दिहाड़ी छोटी है यार। यार पेट ते नहीं छोटा? आहो ए भी गल है, पेट भी तेरा छोटा ही। मूलियां खाली दे, मूलियां भी गाला कढ़दे ने लोकी। हां मूलियां ले, हुन ते मौसम आया मूलियां। हम दा भैया की बना रहे हो अजकल? भाई जान ये चेक ते करो, ई चेक करके की बनाना चिप्स तैयार हुंदी पिया। बनाना अल्हम्दुलिल्लाह से ये आवाज चेक करें, आवाज से पता चल रहा है कि चिप्स जो है बड़ी ही जबरदस्त तैयार हो गई है। तो अभी इसे बाहर निकाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आवाज चेक करें, और माशाल्लाह ये चेक करें, कलरफुल बहुत ही मजेदार सी कड़क सी बनाना चिप्स जो है बिल्कुल तैयार है। तो जी अभी एक परागा निकल गया, और अभी दूसरा परागा जो है ये निकालते, और धुआं जो है आंखों में पड़ रहा। बिस्मिल्लाह। और जैसे कि आपको पता है कि बनाना में कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो आप इसकी चिप्स जो है किसी कार्टून में पैक करके रख सकते हैं, और महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी चिप्स जो है। तो माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त और जायके में भी लाजवाब होती है। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना आपने। तो अभी ये चिप्स जो है ये भी तैयार हो गया था, अभी इसे बाहर निकाल दें। जी भाई पकड़ा हुआ यार। बिस्मिल्लाह। और आप इसकी ये आवाज चेक करें,
तो जी अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं कि चिप्स जो है कैसी बनी है। चलो तजीब भाई, अली भाई, बनान भाई, बिस्मिल्लाह। कैसी बनी? माशाल्लाह हमदा भाई, ये बनाना चिप्स बहुत ही मज़ेदार है और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद मैं बताऊंगा कि दूसरे दोस्तों को भी ये होगा कि बहुत ही मज़ेदार चिप्स बनी है। वेल डन, बहुत शुक्रिया। आगे खाई है कभी? नहीं, मैंने पहली बार ये बनाना चिप्स खाई है। आलू की तो खाई होगी? आलू की तो काफ़ी मरतबा खाई है, लेकिन बनाना की चिप्स जो है मैंने पहली मरतबा टेस्ट किया है। माशाल्लाह बहुत मज़ा है हमदा भाई। तो भी अली भाई से पूछते हैं। जी अली भाई, माशाल्लाह बनाना चिप्स बहुत मज़े की बनी है। जब भाई लोग कह रहे थे कि बनाना चिप्स बनाएंगे तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी मज़े की बनेगी, क्योंकि मैंने आलू की चिप्स काफ़ी दफ़ा खाई है, पहली बार ये खा रहा हूँ बनाना चिप्स। तो बहुत माशाल्लाह मज़ा आया, बहुत मज़े की। अल्लाह आपको इंशाल्लाह ऐसे ही बनाने की, अच्छी चीज़ें बनाने की तौफीक अता करे। आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ, और जो नए हैं चैनल पे वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पर मिल सके। बहुत सारी दुआओं के साथ अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।